चलिए आप लोग अंबिकापुर का सबसे लंबा झंडा दिखाते हैं। तो पोपट हो गया, ये बंद है। तो 100 फीट का झंडा फहराने वाले थे आज, ये तो बंद है, उसी को देखने आए थे अपन। तो दोस्तों दीदी के लिए कुछ कुछ सामान बचा था तो वही सब लेने आए हैं। तो जाना है शादी में तो वही सब लेने आ गए हैं। और अभी आज ठंड भी बहुत ज्यादा कम है और ना के बराबर है ठंड। हाफ जैकेट के ऊपर ही स्वेटर पहने हैं, हल्का वाला, ठंड नहीं लग रहा है। और देखते हैं और क्या क्या लेना, वो सब बचा हुआ सामान का आज पूरा कम्प्लीट कर लेते हैं। अभी लेस वाले दुकान में है, देखिए दीदी अभी ले रही है लेस साड़ी में जो लगाते हैं। देखिए काफी सारे डिजाइन के लेसेस हैं यहाँ पर, आपको सब मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अपन लेस ले लिए हैं, आप लोग भी यहाँ से ले सकते हैं। संगम चौक में पास ही दुकान है, गुदड़ी रोड, यहाँ से गुदड़ी चले जाते हैं सीधा। तो आगे ना एक पार्लर है, देखना है अगर वो खुला होगा तो उससे बात करना। चलिए चलते हैं, बाकी का काम करते हैं। तो अभी दीदी को आना था पार्लर, थोड़ा सा ये वाले पार्लर आए हैं, वही थोड़ा सा आगे में ही, दुकान के थोड़ा सा आगे में ही है ये वाले पार्लर आए हैं। तो दीदी बात करने गई है कि उसको क्या क्या रेट में क्या क्या हो जाएगा, तो अपॉइंटमेंट बुक कराएगी फिर। चले चलते हैं पार्लर के अंदर दिखाते हैं। अभी इस वाले दुकान आए थे कुछ कुछ छोटा मोटा सामान लेने के लिए, दीदी को काजल वगैरह लेना था तो वो सब ले लेते हैं इसी। तो दोस्तों यहाँ से अपन ब्लेंडर और काजल वगैरह ले लिए इस दुकान से। और कहाँ चले विन्नी बताइए? और लूज पाउडर लेना है तो इधर ही देखते कोई शॉप। मच 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 लेटर। तो दोस्तों यहाँ से लूज पाउडर वगैरह भी ले लिए, पता नहीं क्या होता है लूज पाउडर में, तो पता ही नहीं है लड़की लोग का क्या क्या होता है। सब चीज ले लिया। कब जाना है मैंने तेरे को शादी में? तीन चार दिन बाद, इसलिए अब टाइम नहीं है, रिजर्वेशन भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं, मुश्किल है। तो अब चलते हैं घर। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लेंडर, काजल और लूज पाउडर वगैरह ले लिए और अभी आ गए हैं यहाँ चाय पीने के लिए चौपाटी में। दीदी मस्त गर्मा गर्म चाय पिलाएगी, वही पीने आ गए। मस्त उधर मिलेगा, उधर चलते आगे मिलते हैं ये चाय पीने के लिए आगे। तो ये आगे हमारा चाय। तो दोस्तों काफी शानदार चाय था हम लोग के लिए। अब निकलते हैं यहाँ से, आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं, चौपाटी के पास ही है, स्टेडियम के जस्ट सामने, स्टेडियम वाला ग्राउंड। तो दोस्तों यहाँ पर चाय वाय पी के ऑल डन हो गया है, चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ अभी 2 बज गया है और मैच शुरू हो गया है फिर से, थर्ड ODI इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और अभी स्कोर हुआ है 42 रन 0 विकेट में 7 ओवर के बाद। तो आज भी मैच काफी अच्छा है, देख सकते हैं हम लोग सब बैठ के। और टॉस न्यूजीलैंड ने जीता, और देखते हैं क्या इन लोगों का पोजीशन रहता है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग किया, 46 रन में 0 विकेट है 7.2 ओवर में। तो मम्मी फिर यहाँ पर लहसुन छीलने बैठ गई। क्या करूँ, अब छील के रखती हूँ ना तो सब्जी बनाने में आसान हो जाता है। तो मम्मी यहाँ पर मस्त लहसुन छील रही धूप में बैठ के, और यहाँ शेरू अपना मसाज करवा रहा है और हंस भी रहा है, देखिए अच्छे से नहीं कर रहे, कर अच्छे से बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पापा भी आ गए, गए थे थोड़ा सब्जी उब्जी लेने के लिए, झाड़ू सब्जी। अभी कैसे कैसे रेट चल रहा है पापा सब सब्जी का? अभी तो सब सस्ता ही है, 20 रुपया से ज्यादा कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जी निकाल लेते हैं, मस्त टमाटर लाए हैं पापा अच्छे दाम में, फ्रेश टमाटर। अभी सब सब्जी भाजी का दाम बहुत कम है, अच्छा फ्रेश सब्जी मिल जाता है। देखिए अदरक और टमाटर लाए हैं, चलिए फटाक से झोले में निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट इनिंग खत्म हो गया और 386 रन का टारगेट मिला है 9 विकेट में 50 ओवर के बाद न्यूजीलैंड को। आज बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छा हुआ और लास्ट में थोड़ा सा वो वापसी कर लिया न्यूजीलैंड, वरना 400 रन के करीब पहुंच जाता, उससे ऊपर ही पहुंच जाता। लेकिन बैटिंग करी अच्छा था और गेंदबाजी भी अच्छा करेंगे, करना चाहिए गेंदबाजी भी ताकि रन रोके, और 3-0 से जीत जाएंगे तो फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाएंगे वनडे रैंकिंग में, तो काफी अच्छी बात है, शानदार बात है। कांग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया। और मैं यहाँ पर चाय बना रहा हूँ मम्मी लोग के लिए, काली चाय, शाम को रोज काली चाय पीते हैं और सुबह दूध वाला, तो अभी वही बना रहा हूँ। हस्बैंड गया है अब में डालना है, और दीदी अभी नहीं है, दीदी गई है मेकअप करवाने अपना, कुछ कुछ बाल वगैरह का कुछ कुछ करवाने गई है। तो दोस्तों ये रहा सेकेंड इनिंग का हाल, अभी 22 में 1 है 4.3 ओवर में न्यूजीलैंड का।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज 26 जनवरी, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई। और अभी हम लोग आए हैं ऑक्सीजन पार्क में, लेकिन ये बंद है क्योंकि यहाँ पर 100 फीट का झंडा फहराने वाले थे, तो आज ये तो बंद है। उसी को देखने आए थे अपन, 9 बजे तो टाइमिंग है, लेकिन 9 बजे लिखा हुआ है लेकिन बंद है आज, अभी तक खुला नहीं है। मैं तो टाइम से आ गया था, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, खूब सारे लोग वेट कर रहे हैं। आज यहाँ झंडा फहराने वाले थे, गेट बंद है जैसे आप लोग देख रहे हैं। और ये क्यों बंद है वो किसी को पता नहीं है। ऊंचा पहाड़ है तो पूरा शहर दिखता है यहाँ से। A few moments later. भैया गेट खोल के देखे तो गेट खुला था दोस्तों, ये तो दोस्तों पोपट हो गया। गेट तो खुला हुआ था, हम लोग लगा लॉक है, लेकिन वो तो बस ताला लटका था कि भैया आके खोल, वो खुला हुआ था। चलिए अच्छा लग के खुल गया, अपन अपन अंदर जाते हैं। तो दोस्तों अपन पहुंच गए ऑक्सीजन पार्क के अंदर, और अब चलते हैं और अंदर। तो गाड़ी हम लोग ने यहाँ पर लगा दिया, अब चलते हैं अंदर। यहाँ पर टिकट कटाते हैं गाड़ी का, यहाँ पर टिकट पर्ची कटवा लिए हैं 20 रुपए। चलते हैं अंदर, अब आप लोग बड़ा सा झंडा दिखाते हैं। 100 फीट का है, 2-3 महीना पहले से इसका चर्चा चल रहा था, पर मैं बना नहीं पाया व्लॉग, तो आज मौका मिला तो बना लेते हैं। देखिए यहाँ का नजारा कितना अच्छा है, पूरा शहर दिखता है यहाँ से। हम लोग गणतंत्र दिवस स्कूल में बहुत अच्छे से मनाते थे दोस्त, वो सब दिन याद आ रहा है। अब कॉलेज का भी लाइफ खत्म होने वाला, बस 1 साल और के बाद कॉलेज भी खत्म हो जाएगा। कुछ कुछ स्टूडेंट्स लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये रहा झंडा दोस्तों, 100 फीट का है, दूर से ही दिख रहा था, रोड से ही आते समय ही। देखिए कैसा शान से लहरा रहा है, अपने तिरंगा को एक सैल्यूट मेरी तरफ से। अपने व्लॉग में दिखाने में मजा ही कुछ और है। ये रहा दोस्तों 100 फीट का यहाँ अंबिकापुर का तिरंगा। सब शहर का अपना अपना तिरंगा है, और आज सजाया है सब बलून से। ये ऑक्सीजन पार्क हम लोग टॉप पे आ गए दोस्तों, ये नजारा कितना अद्भुत है देखिए। और इंडिया के सबसे टॉलेस्ट फ्लैग किस सिटी में है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्टली। ओ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा झंडा कहाँ पर है तिरंगा। चलिए अब अपना अंबिकापुर का भी एक अपना तिरंगा हो गया, यादगार रहेगा। कुछ महीनों से इसका चर्चा चल रहा था, अब चलते हैं नीचे, अब वापस चलते हैं घर। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। और दीदी आज सवेरे चली गई 6 बजे दिल्ली वाले ट्रेन से, जो नया चालू हुआ है, जो हफ्ते में एक बार चलता है स्पेशल ट्रेन है, उससे सुबह वो चली गई दिल्ली। तो उसी टाइम मैं उठा और मैं सोचा था कि वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे झंडा फहराते हुए, तो वैसा तो नहीं हो पाया। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग आज का ब्लॉग पसंद आया, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे। चैनल में तो व्हाइट वाला बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले, अंदर आ रहा होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर ले, कॉल कर ले, और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, यूजर नेम यहाँ पर आ रहा होगा, लिंक आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। रुको जरा, सबर करो। यहीं से गुजर रहा था, तो यहीं पर नीचे में ही मामा और मंदिर था, तो सोचा कि थोड़ा सा आ जाते हैं। ठीक ठाक खास अच्छा खासा भीड़ है दोस्तों यहाँ पर। से एक चीज याद आया कि अपने चैनल को भी 200 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बस 4 सब्सक्राइबर बचे हैं, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज मन्नत मांग लेते हैं कि 1000 भी सब्सक्राइबर अपन कंप्लीट कर लें। इस साल में 10,000 का टारगेट है मेरा, देखते हैं वो अचीव हो पाता है। दोस्तों अभी मैं आया था पीजी ग्राउंड, और देखिए यहाँ पर सब झांकी वगैरह लगा हुआ है, कृषि वगैरह फूल वूल वाला। इसी ग्राउंड में 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों मनाया जाता है, और देखिए उधर परेड वगैरह भी चल रहा है। चले जाके दिखाते हैं आप लोग को, ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, झांकी वगैरह निकल रहा है। पीजी ग्राउंड में हूँ मैं अभी, और यहीं पर 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाया जाता है। देखिए इस तरफ गाड़ी वगैरह लगा हुआ है, थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोगों को। You still remember the shit we used to do.
ऐसा क्राउड देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हर साल ये वाला प्रोग्राम होता है, काकी वगैरह निकलता है। हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग भी पार्ट लेते थे सब चीज में। स्कूल नंबर वन आता था, नंबर थ्री में आता था। सब स्कूल वाले लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते थे यहाँ पर। उधर प्रोग्राम वगैरह हो रहा है उस साइड, वो देखते हैं। थोड़ा बहुत आप लोगों को कोशिश किया दिखाने का, थोड़ा बड़ा ही डाल दूंगा मैं ब्लॉग में। और देखते हैं कहीं और अच्छा शॉट मिल जाएगा। इस साइड भी गाड़ी वगैरह खड़ा है। अच्छा लग रहा है, गूज़बम्प्स आ रहे हैं, अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं बचपन के। अपन भी स्कूल में थे तो यही सब प्रोग्राम करते थे। और मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है तो मैं कहीं से ढूंढ के जगह निकाल के आप लोगों के लिए बनाया वीडियो। थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स भी ले लिया, अब डालूंगा सबको मैं आराम से। चलते हैं अब घर, बहुत टाइम हो गया, धूप भी बहुत तेज हो गया है। यहाँ बच्चे लोग का इसका प्रोग्राम हो गया, वो जा रहे हैं। अब इतना टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, स्वेटर पहनने का मन नहीं करता बिल्कुल। तो सवेरे और रात में हल्का हल्का ठंड रहता है। बाकी अभी बारिश होने वाला है कुछ दिन में, तो शायद ठंड बढ़ेगी। गाड़ी ढूंढ रहा था दोस्तों, गाड़ी मिल गया। बहुत ढूंढने के बाद उधर चला गया था मैं तो, उधर भी ढूंढा लेकिन यहाँ पर रखा था। चलिए चलते हैं अब घर।